हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनी एंड वेलकम टू सोनी मेकओवर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी अपर लिप्स थ्रेडिंग से रिलेटेड होने वाली है। आज हम इनके अपर लिप्स के जो हेयर्स हैं उसे हम थ्रेड से रिमूव करेंगे। तो देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा इनके अपर लिप्स पे ग्रोथ हो चुकी है और ये लाइफ टाइम वाली ग्रोथ है। इसके पहले इन्होंने कभी भी अपने अपर लिप्स के हेयर्स को रिमूव नहीं किया है किसी भी तरीके से। तो ये आज फर्स्ट टाइम अपने अपर लिप्स के हेयर्स को रिमूव कर रहे हैं। तो हमने पहले अच्छे से टेलकम पाउडर की एप्लीकेशन की है ताकि इनको जो पसीना हुआ हो वो अच्छे से सूख जाए, ताकि जो भी हम हेयर्स को निकालें वो धागे में आसानी से जो फंस के निकल सकें। तो अब हमने इनको टाइट करने के लिए बोला है ऐसे अंदर से, टाइट। तो ना गाइस, अपर लिप्स करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि वो हमारा जो पार्ट होता है अपर लिप्स का वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो हमने अभी एकदम केयरफुली धीरे धीरे इनके अपर लिप्स की थ्रेडिंग की है। तो गाइस देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी अपर लिप्स की थ्रेडिंग करने के लिए। तो हमने हमेशा इनको बोला कि टाइट रखे, आप जितना भी टाइट रखोगे जितना ज़्यादा उतना अच्छे से जो हेयर्स है वो रिमूव होंगे और पेन कम होंगे और आपकी स्पीड होनी चाहिए हमेशा। जब भी आप अपर लिप्स की थ्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको स्पीड से ही आपको हेयर्स को निकालना है। अगर आप जितना स्लो धागा चलाओगे वो एक एक हेयर्स तन के निकलेंगे तो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो आपको एकदम झटके में हेयर्स को रिमूव करना है। देख सकते हैं इनके अपर लिप्स से बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका था पेन की वजह से। तो हमने वापस से इनके अपर लिप्स को अच्छे से क्लीन किया कॉटन की हेल्प से। दिन उसके बाद में हमने वापस से पाउडर के एप्लीकेशन करके और फिर हमने वापस से थ्रेडिंग करना स्टार्ट किया। हिलो मत, हिलो मत। करो टाइट करो। सो गाइज, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें कि कैसी लगी आपको ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, प्लीज़ वो भी ज़रूर बताएं मुझे। तो देख सकते हैं इनके पसीने की वजह से पूरा जो पाउडर था वो इनके स्किन में चिपक गया था, और जब भी अगर पसीना हुआ होता है जिस पार्ट में उसे अच्छे से सुखा लेना चाहिए, नहीं तो थ्रेडिंग नहीं होती जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और जितना टाइट हो सके आपको टाइट करवा के रखना है। अगर आप लूज़ छोड़ोगे तो हो सकता है यहाँ की स्किन जो है वो कट जाएगी। लिप्स के जो कॉर्नर के हिस्से होते हैं ना, जहाँ पे मैंने थ्रेड रखा है अभी, वहाँ के जो पार्ट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर उसको ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, एकदम लूज़ करके ही करेंगे, और धागे की जो हम जो धागा होता है अगर उसे हम ज़्यादा दबा के करेंगे तो स्किन तुरंत निकल जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, हल्के हाथों से धागा चलाना है और स्पीड से करना है, और एकदम जितना हो सके उतना टाइट करना है, क्योंकि जब भी स्किन लूज़ होती है तो बाल के साथ साथ ना वो स्किन भी धागे के अंदर आ जाती है जिसकी वजह से कट लग जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पहले फोरहेड पे, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आपको पहले फोरहेड पे थ्रेड चलाने सीखना है, फिर आईब्रो करना है, उसके बाद ही अपर लिप्स करना है। तो देख सकते कितने इजी तरीके से हो गया। बस इनको अब थोड़ा सा पेन हुआ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अपर लिप्स की थ्रेडिंग करा रही थी, इस वजह से इनको ज़्यादातर वो डर की वजह से ये जो है वो मतलब थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। और जब बीच के हेयर्स को निकालने होते हैं तो ऐसे लिप्स को हमें दबा लेना है, क्योंकि जब हम जीभ जो हमारी टंग होती है हम उससे टाइट करते हैं, तो जब हम थ्रेड चलाते हैं तो हमारी टंग हिलती रहती है।
तो देख सकते हैं पूरा हो चुका है। अब ये हमने पहले का आपको लुक दिखाया है, जब हमने थ्रेड नहीं किया था तब का ग्रोथ दिखाया है, और जब हमने थ्रेडिंग कर लिया है तब के बाद का रिजल्ट। अगर गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।